नमस्कार आदाब। आपके अपने प्रोग्राम सिटी स्वाद में मैं पाखी हमेशा की तरह आपके लिए आज फिर लाई हूँ कुछ खास, कुछ स्पेशल। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्रोग्राम सिटी स्वाद में। वैसे तो नवाबों के शहर लखनऊ में वेज डिशेस में आपको कई चीजें खाने को मिलती हैं, लेकिन बात अगर नॉनवेज की हो तो सबसे पहले जुबा पर गलावटी कबाब का नाम आता है। गलावटी कबाब का नाम सुनते ही उसकी खुशबू जहन में उतर आती है। एक ऐसी ही स्पेशल डिश का नाम है लखनवी गलावटी कबाब। गलावटी शब्द का अर्थ है मुँह में घुल जाना, और ये कबाब ऐसे ही होते हैं जो मुँह में छट से घुल जाते हैं। लखनऊ अपने नवाबी ठाट बाट के साथ ही अपने लजीज जायकेदार व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहाँ का स्वाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो फिर इन जायकों से बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप लखनऊ में घूमने आए हैं या फिर किसी जरूरी काम से तो यहाँ के वर्ल्ड फेमस गिलावटी कबाब का जायका चखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। We'll be right back.
नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए लखनऊ के टुंडे कबाब खाना किसी मन मांगी मुराद पूरी होने से कम नहीं है। 110 साल पुराना लखनऊ के टुंडे कबाब के स्वाद के आगे देश भर के बड़े बड़े खानसामे और फाइव स्टार होटल्स के शेफ भी फीके पड़ जाते हैं। देश विदेश से यहाँ नामी गिरामी हस्तियाँ मुगलिया जायके की पहचान लखनऊ के टुंडे कबाबी का स्वाद चखने के लिए आती है। बताया जाता है कि ये कबाब बिना दांतों वाले नवाब के लिए बनाए गए थे। इन कबाबों की खासियत ये है कि इनमें 120 मसाले डाले जाते हैं। वैसे तो टुंडे कबाब के देश भर में कई आउटलेट्स हैं, लेकिन असली मजा तो ओरिजिनल में ही है। यहाँ आपको कई वैरायटी के कबाब मिलेंगे, जिनमें से गलावटी कबाब का स्वाद बेहद ज़बरदस्त है। बढ़ती उम्र में भी नवाब साहब और उनकी बेगम की खाने पीने की आदत नहीं गई। ऐसे में उनके लिए ऐसे कबाब बनाने की सोची गई, जिन्हें बिना दांत के आसानी से खाया जा सके। इसके लिए गोश्त को बारीक पीस कर उसमें पपीता मिलाकर ऐसा कबाब बनाया गया जो मुंह में डालते ही घुल जाए। गलावटी कबाब एक लखनवी या फिर अवधी कबाब है। लखनऊ के नवाबों को कबाब बड़े ही पसंद हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई और उनके दांत कमजोर होने लगे, तब उन्होंने अपनी खास बावर्ची से मुलायम कबाब बनाने की फरमाइश की, जिसे वे अपने बिना दांतों वाले मुंह से खा सके। इसके बाद उनके शाही बावर्ची ने इस कबाब का निर्माण किया। के गलावटी कबाब की टेस्टी कहानी, और मुझे दीजिए अब इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिश के साथ, एक नए स्वाद के साथ। ठीक।